ब्रिज हिल रहा जरा, और ये गाड़ी इसके पलटने पलटने से बची है। टोल प्लाजा उन्होंने खून चूस लिया है बिल्कुल। तो दोस्तों हम रुके थे अमृत सुखदेव पे वॉशरूम करने के लिए, और भीड़ इतनी ज्यादा हो रही, भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं आदमी। अभी भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं ना, भेड़ बकरी पता नहीं यार इतने क्यों आ रहे हैं। गरम धर्म बिल्कुल खाली पड़ा, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है। गरम धर्म में भी चले जाओ यार, गरम धर्म में कोई नहीं जा रहा, गरम धर्म में भी चले जाओ, इनका भी फायदा करा दो। हम वहाँ पे चाय पी आए गरम धर्म में, हमने चाय पी ली, पर अमृत सुखदेव हम एक नंबर का खाए बस। ठीक अब हमारा ड्राइवर बदल गया है, अब हमारा ड्राइवर हो गया है हमारे बड़े भाई अक्षय सर। कहाँ तक चलती है बस ये, अब मनाली तक ही लेके जाएंगे। और ग्रो पीछे बैठे हैं, चलो तुम। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपको दोस्त शिवम चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद आ रहा है व्लॉग, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था एक अच्छे से टूर का, और वो टाइम आ गया है। और टूर पर कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मनाली, क्योंकि जो क्रिसमस और न्यू ईयर पर गए थे ना सब, किसी को भी स्नोफॉल नहीं मिला था। तो और मिलवाता हूँ अपने भाइयों से जिनके साथ जा रहे हैं। ब्रो ब्रो भगवान जी का जयकारा लगा देते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। चलो चलते हैं। एक चीज का डर है रास्ते में, फॉग नहीं मिल जाए बस, क्योंकि जितने भी अभी तक गए हैं मैंने भी जिन जिन के व्लॉग देखे हैं तो सब फॉग मिला है। तो निपट से आगे तो फॉग मिल ही जाएगा, बट हम धीरे धीरे ही कार चलाएंगे अपना। जो फॉग मिलेगा वो तो मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, वो तो है। ऐसा हो सके कहते हैं अमृत सुखदेव पे वॉशरूम करने के लिए, और भीड़ इतनी ज्यादा हो रही, भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं आदमी। अभी भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं ना, भेड़ बकरी पता नहीं यार इतने क्यों आ रहे हैं। गरम धर्म बिल्कुल खाली पड़ा, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है। गरम धर्म में भी चले जाओ यार, गरम धर्म में कोई नहीं जा रहा, गरम धर्म में भी चले जाओ, इनका भी फायदा करा दो। हम वहाँ पे चाय पी आए गरम धर्म में, हमने चाय पी ली, पर अमृत सुखदेव हम एक नंबर का खाए बस। ठीक अब हमारा ड्राइवर बदल गया है, अब हमारा ड्राइवर हो गया है हमारे बड़े भाई अक्षय सर। कहाँ तक चलती है बस ये, अब मनाली तक ही लेके जाएंगे। और ब्रो पीछे बैठे हैं, चलो तुम। और हम बैठ चुके हैं, ये हमारे को पायलट कंडक्टर सीट को पायलट, अरे इन्हें गाइड करूंगा सोना जाए इसलिए। तो दोस्तों गाड़ी का पेट खाली हो गया, उसे फुल करने वाले हैं, सीएनजी करवाने के लिए रुके हैं। ये रहा सीएनजी पंप। देख सकते हो जिस चीज का डर था वो कोहरा आ गया है, पर नगर के मतलब बिल्कुल पास में ही पहुंच गए हैं, तो वहां पे जाके आया है। रास्ते में कहीं भी नहीं मिला, पर यहाँ आके मिल गया, और ज्यादा भी ना है, आराम से चल रही है। और हाई बीम पे दिखी है कितना
आई बीम पे देखो पैरा इधर इधर धुंध ही धुंध है, ये सामने सब धुंध है, धुंध। तो दोस्तों हिमाचल में एंटर कर गए हैं, तो दोस्तों देख लो मनाली वाले रूट की पहली टनल आ चुकी है, टनल नंबर वन। टनल बहुत ही खूबसूरत है, लाइट वगैरह बढ़िया हो रही है टनल में। रोड है अभी तक जितने हम चले हैं 50 किलोमीटर के करीब चले हैं हिमाचल में अंदर, रोड है एक नंबर। और भाई ड्राइव कर रहा है वो अच्छा एक्सपीरियंस बताएगा क्या एक्सपीरियंस है। सबसे बढ़िया बात है इसमें टू वे है और पता ही नहीं चल रहा कि हम NCR में चल रहे हैं कहीं हिली एरियाज में चल रहे हैं। लाइक मैंने पहले शिमला में भी किया है, शिमला में भी टूर किया है, हम केदारनाथ भी गए थे, सब वन वे है। ये टू वे होके और हमें पता इतनी अच्छी रोड बना रखी है कि पता ही नहीं चल रहा कि हम रोड पे चल रहे हैं किस पे चल रहे हैं, नहीं तो वन वे होता है बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये बीच बीच में जो है थोड़ा बहुत फॉग आ रहा है तो उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि टू वे है। अगर सिंगल वे होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मैं स्पीड जो कैमरा लग रहे हैं उसको हाँ, सबसे खतरनाक चीज है स्पीड कैमरा। अगर जो कोई नया नया आएगा ना, वैसे तो हम भी पहली बार ही आ रहे हैं इस हाईवे पे, अगर कोई नया नया आएगा तो 2-3 चलान कटवा के जाएगा। और हाईवे को कोई बता सकता है कि ये कहाँ का हाईवे है? ये है हिमाचल का हाईवे, पर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे NCR का, दिल्ली NCR का हाईवे हो। देखो यार कितना बढ़िया बना रखा है हाईवे, लाइट वाइट लगा के अच्छा है। पर इस हाईवे की एक और खतरनाक चीज दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ चलते रहो। ये री सबसे खतरनाक चीज आने वाली है, ये री स्पीड कैमरा है। इस हाईवे की लिमिट है 60 और ये कैमरे जो है बंद हो जाते हैं, और जब गाड़ी निकलती है जब भी लाइट जलती है इनमें, तो इसलिए पता नहीं पड़ती कि कब चलान घर आ जाएगा कट के। इन हाईवे ने जो है ना टोल प्लाजा ने खून चूस लिया है बिल्कुल, 900 रुपए के करीब टोल दे चुके हैं और इस टोल का मैसेज आना बाकी है। हाईवे तो है ही है अच्छे, टोल भी अच्छे हैं। सकते हो दोस्तों अभी तो पहाड़ों के दर्शन हमें भी नहीं हुए हैं, पहले रात में चले हैं और अब फोग आ गया है और मनाली रह गया है। ये रहा मैप, 119 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 7:09 सुबह का टाइम हो रहा है, और देख लो कितना ज़्यादा फोग है। मंडी होगा यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है बस मंडी पहुँचने वाले हैं, देख लो। और जब पहले दर्शन होगा पहाड़ों का तो आपको दिखाते हैं क्या व्यू आएगा, अभी तो हमें दर्शन नहीं हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फर्स्ट व्यू कब आएगा। इस गाड़ी वालों को इतना भी चैन नहीं है, यह भी गाड़ी इसकी पलटने पलटने से बची है, यदि तिरछी हो गई थी, पर इन्हें इतना चैन नहीं है कि थोड़ा सा लाइन में लग के चल लें। थोड़ी देर के लिए
आराम करने के लिए उतरे हैं और एक बहुत अच्छा नज़ारा है तो आपके दिखाने के लिए रुका हूँ। और ये रहा नज़ारा देखो, पंडो डैम, ये रहा पानी कितना आराम से गिर रहा है, गहरी ब्यास रिवर। आप सबको, और ये खड़ी गाड़ी, और आप सबको पहाड़ों का पहला दर्शन करवा रहा हूँ। वह टूटी फूटी रोड दिखाई थी और अभी तो ठीक ठाक रोड चल रही है, जो लैंडस्लाइड वाला एरिया ज़्यादा है, जो देख सकते कुल्लू के ब्रिज का व्यू है, ब्रिज हिल रहा ये रहा। और ये रही रिवर नीचे, कितना सफा पानी है ये रहा। पहुंच गए हैं, रूम भी ले लिया और रूम टूर कराता हूँ आपको। ये रहा कुछ रूम ऐसा है मेरा, और ये रहा वॉशरूम। और अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।